अस्सलाम वालेकुम। ये मैं सांसद जी का खत पढ़ रही हूँ। एक बार आपके बीच आया था, सांसद बनने के लिए आपने बड़ी मोहब्बत और बड़े जोश से मेरा इस्तकबाल किया था। आपकी मोहब्बत का मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद से बहुत पानी बह गया, हालात बहुत बदल गए और हालात के साथ सोच और फिक्र बदल गई। बदलते बदलते अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और सही राह दिखाई और आज मेरी बीवी जेब में भेजा हुआ मुख्तसर सा पैगाम हमारे रहनुमा और नायब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में पढ़ रही है, जो मेरे लिए काबिले फख्र है। साथियों, यह लड़ाई ना सांसद बनने की है और ना ही विधायक बनने की है, बल्कि हमारी जो तादाद है उस तादाद के हिसाब से पूरे मुल्क में अपनी हिस्सेदारी लेने की बात है। और न दूसरे का झंडा ढोएंगे। जिनकी तादाद 100 में से 7 है वह लगातार मुख्यमंत्री बने और उनकी कौम लगातार तरक्की करे। मुसलमानों की तादाद 100 में से 22 है। पूरे मुल्क में हम 35 करोड़ से ज्यादा हैं और हमारे बच्चे या तो टायर का पंचर बना रहे हैं या ड्राइवरी कर रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं। यह लड़ाई अपने बच्चों को IAS और IPS इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की है और तादाद के हिसाब से नौकरियों में हिस्सेदारी की है। मुसलमानों ने आज तक किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना और यही सबसे बड़ी बात थी। आज अल्लाह का शुक्र है एक लीडर हमें मिला है जिनके अंदर बेपनाह सलाहियत, बेपनाह इल्म, बिल्कुल बेदाग और पाक सियासी शऊर रखने वाला एक बहादुर रहनुमा हमें मिला है जिसका कोई सानी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में वही शख्सियत है जो हुकूमत में मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करता है। अगर कौम का दर्द ना होता तो ओवैसी साहब अपना घर, अपने बच्चे और अपना सुकून छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में रात दिन मेहनत न कर रहे होते। हमें तब अफसोस होता है जब मुसलमानों को कमजोर करने वाले कुछ मठाधीश ओवैसी साहब के बारे में तरह तरह की बातें उड़ाते हैं और हम मुसलमान भाई भी बिना सोचे समझे उसमें शामिल हो जाते हैं। आज से ललकार को ये हमारी अपनी पार्टी AIMIM है और हमारे नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है। आज से AIMIM का झंडा हमारा अपना झंडा है और AIMIM पार्टी हमारा घर है। अब हम ना ही दूसरे के घर में रहेंगे और ना दूसरे का झंडा उठाएंगे। बड़े जज्बात है और बहुत सी हकीकत आपसे कहना चाहता हूँ। वक्त कम है, जेल बंद हो गई है, दुआ की दरख्वास्त आप बुजुर्गों और जवानों से है। खुदा हाफिज़। आपका